नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदमय होंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और अगले 30 दिनों तक यहीं पर सूर्यदेव रहेंगे वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है। यहाँ पर केतु भी होंगे तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर आपके मंगल भी आ जाएंगे। तो सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को लगभग 12:45 पर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर तक सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य के साथ केतु होंगे और सूर्य केतु का जब योग बनेगा तो ग्रहण दोष बनेगा और केतु के अंदर ताकत है कि वो सूर्य को ग्रहण लगा सके। केतु एक छाया ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता और ताकत दोनों रखता है। सूर्य का यह परिवर्तन और केतु का ग्रहण दोष और मंगल और सूर्य का साहस योग भी बनेगा, ये सब कुछ क्या परिणाम देंगे आपकी राशि के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक रहने वाला है यह गोचर। तो आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है हम जानेंगे आपकी राशि के अनुसार। तो आइए शुभारंभ करते हैं और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आपकी चंद्र राशि या नाम राशि जो भी है उसके आधार पर आप ये वीडियो देखिएगा, वीडियो में उपाय भी बताऊंगा। तो जल्दी से शुभारंभ करते हैं और अगर आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो बेल आइकन के बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर दशम भाव के स्वामी है और यह गोचर प्रथम भाव में होगा यानी लग्न में होगा। तो आपको क्रोध और गुस्सा आदि से बचना होगा। जनता का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप अपने काम से काम रखें और अपने रुतबे पर बने रहें, ऐसा कोई काम ना कर दे जिससे लोग आपको कहें कि आप इस योग्य नहीं, आप इस पद पर या इस रुतबे के योग्य नहीं, आप कोई गलत काम कर रहे हैं। तो बहुत समझदारी से काम करिएगा क्योंकि जनता के बीच में आप छाए रहेंगे, जनता की नज़र आप पर बनी रहेगी। आपकी ज़ुबान में गर्मी होना स्वाभाविक है, इस गर्मी को कम करिएगा, गुस्सा क्रोध कम करिएगा, गाली गलौज से बचिएगा। आप एक अच्छे टीम लीडर होंगे, आपके अंदर एक अच्छे टीम लीडर के गुण छुपे हुए होंगे। सूर्य आपको बहुत प्रख्यात बनाएंगे यानी बहुत अच्छी आपके अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे एक अच्छे टीम लीडर की, जिससे आपकी तारीफ होगी। आप खुद पर अत्यधिक विश्वास करेंगे लेकिन जो चापलूस लोग होते हैं उनसे बचने की कोशिश करिएगा। प्रथम भाव में सूर्य राजा की गद्दी पर बैठे हुए होते हैं, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी, आपके ऊपर आपके बॉस का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर जो है और आगे बढ़ने की शक्ति और ताकत आएगी, हुनर आएगा। आप किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने खुद के सहारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या लक्ष्य है आपका, जीवन का जो लक्ष्य है आप वो जानते होंगे और खुद अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ते चले जाएंगे। नई शुरुआत के लिए यह वक्त बहुत ही शानदार होगा। आजीविका कमाने के लिए, स्थायी आजीविका कमाने के लिए आपको यह वक्त बहुत साथ देगा। आपकी आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, ईमानदारी के साथ चालाकी आपको दिखानी होगी थोड़ी सी, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी लेकिन चालाकी कर सकते हैं। ईमानदारी प्लस चालाकी का मिश्रण जबरदस्त लाभ आपको देने वाला है, कभी नरम तो कभी गर्म वाली स्थिति को अपनाइएगा। आप उसी जगह पर काम करेंगे जहां पर आप पहले से काम कर रहे हैं और पहले से अधिक सफलता आपको मिलेगी। आप पर आपके साथ काम करने वाले लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, आप किसी की कही सुनी बातों में विश्वास नहीं करेंगे, बात वही सुनेंगे वही समझेंगे जो सही होगी। विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है, सूर्य बुध का जब बुध आदित्य योग बनेगा यानी दोनों इकट्ठे होंगे तो विदेश से उच्च शिक्षा के रास्ते खुल जाएंगे। स्किन संबंधी कोई समस्या है तो दूर हो जाएगी, खून संबंधी परेशानियां या बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके लिए सेहत भी अच्छी होती नजर आएगी। आपको हृदय का ध्यान रखना है, हाई ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है और गलत तरीकों से धन को कमाने से बचना है, ईमानदारी की रोटी खाने का कोशिश करिएगा। आप जीवन में कोई ना कोई नया काम अवश्य करेंगे इस गोचर काल में जो पहले आपने कभी नहीं किया होगा। आपके नाम के साथ विजय जरूर लिखी जाएगी यानी कि
आप सफल इंसान कहे जाएंगे। आंखों की दवाई का दान करना कहीं पर जहां पे आई हॉस्पिटल हो, गरीबों को आंखों की दवाई का दान करना, खासकर जो लिक्विड दवाई होती है, कच्चे दूध का दान करना, दिन के समय अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी से संबंध ना बनाएं, और चरित्र को भी बहुत साफ सुथरा रखने की कोशिश करिएगा, और गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और अगर आपके जीवन में इसके अलावा कोई कष्ट है, कोई परेशानियां हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। नमस्कार।